नमस्कार, उम्र कोराडिया देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज हम इस खूबसूरत पौधे के बारे में जानकारी लेंगे, पूरा उसका कंप्लीट गाइड देखेंगे। और मैं इसको नर्सरी से लेके आई हूँ। देखिए, ये प्लास्टिक बैग में है, तो हम इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इस वाले गमले में मैं इसको लगाने जा रही हूँ। इसको मैंने नीचे से होल कर दिया है। ये मेरा प्लास्टिक का गमला है, आप चाहो तो टेराकोटा या मिट्टी का गमला ले सकते हो। मैंने प्लास्टिक का इसलिए लिया है क्योंकि जब गमले इधर से उधर करना रहता है तो ये काफ़ी हेवी हो जाते हैं मिट्टी के, इसलिए मैंने कुछ पौधे प्लास्टिक के इसमें लगाए हैं। बाकी वैसे मिट्टी का और टेराकोटा का गमला प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये बस उठाने के पर्पज़ से मैंने प्लास्टिक का लिया हुआ है। इसको हमने होल कर दिया और इसमें मैंने एक पोरस बैग रख दी है। ये प्लास्टिक की नहीं है, ये जो हम सब्जियां वगैरह ले आते हैं उसकी है। आप चाहो तो नीचे ईंट का टुकड़ा या फिर दिया वगैरह भी रख सकते हो, या टूटा गमला रहता है उसका टुकड़ा रहता है वो भी रख सकते हो। देखिए, सबसे पहले हमने मिट्टी ले ली, ब्लैक सॉइल जो गार्डन सॉइल रहती है, और इसमें हम मिलाएंगे सैंड। सैंड हमने इसमें इसलिए मिला दी ताकि जो भी हम वाटर गमले में डालेंगे वो नीचे से निकल जाना चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप ले आइए, तो वो हम इसमें थोड़ा डाल देते हैं। मैं एक या दो मुट्ठी इसमें डाल दूँगी अभी की। वर्मी कंपोस्ट हमने इसमें डाल दिया और हम इसमें मिलाएंगे गोबर खाद। ये देखिए, गोबर खाद मुझे मिला नहीं था तो मैंने इसमें हम काउडंग भी मिला सकते हैं। ये जो रहता है काउडंग का बना हुआ, तो ये हम लेंगे। और इसको मैंने पहले से ही थोड़ा सा वाटर डाल के रखा था इसमें ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा हाथों से मसल देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा और इसमें मिक्स भी कर देंगे। देखिए, हमने ये मिश्रण तैयार कर लिया और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम प्लांट लगाते हैं। हमने ये गमला तैयार कर लिया था, इसमें हम ये थोड़ा सा मिश्रण डाल देंगे। कि आधे से भी नीचे मैंने इसमें मिट्टी डाली है क्योंकि ये प्लांट के साथ भी काफ़ी सारी मिट्टी आती है। तो ये जो प्लांट है नर्सरी से लाया हुआ, उसको हम निकाल देते हैं प्लास्टिक बैग को। यहाँ पर देखिए रूट्स कितने नीचे तक आ गए हैं। नीचे से हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें से निकाल देते हैं। इस प्लांट को हम इसमें रख देंगे बीचों बीच। देखिए, प्लांट को हमने बीचों बीच रख दिया और साइड से हम ये जो बाकी का मिश्रण है सॉइल का वो सब डाल देंगे। देखिए, हमने इसमें अभी ये सारा मैंने ये प्लांट जो है रिपोर्ट कर दिया बहुत अच्छे से। हम पहली बार इसको पानी देंगे। हम पहली बार पानी दे रहे हैं तो मैं पूरा गमला पानी से भर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे वाले इसमें कितना पानी इकट्ठा हो गया, मतलब डालते से ही पूरा निकल गया है। देखिए, इस तरह से अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल अगर आपकी रहती है तो ये बहुत अच्छा पौधा ग्रो कर जाता है। अब हम इस पौधे की जानकारी पूरा आपको इसका पूरा गाइड कम्प्लीट गाइड में बताऊँगी। इसका जो नाम मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कैलेडियम, और ये बाय कलर में कैलेडियम बाय कलर इसको पहचाना जाता है। ये इंडोर रख सकते हो आप, आउटडोर रख सकते हो। और इस ये एक्चुअल में है एक समर प्लांट, समर में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये आप जैसे कि इसके पत्ते आप देख सकते हो कितने खूबसूरत कलर में आते हैं। वो दो कलर में है, बाय कलर में है, तो उसकी खूबसूरती बढ़ती है उसके कारण। ये जो प्लांट है ये ऑर्नामेंटल श्रेणी में आ जाता है और इसको एलिफेंट ईयर्स भी कहा जाता है।
इसको हार्ट ऑफ जीसस कहा जाता है, एंजल विंग्स भी इसको पहचाना जाता है। और इसका जो ओरिजिन है, मतलब ये सबसे पहले ये साउथ अमेरिका में पाया गया था, और इसकी खूबसूरती के कारण आप इसको लैंडस्केपिंग में भी यूज़ कर सकते हो। लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लीव्स है, हार्ट शेप लीव्स है, एरो हेड शेप है, और ये काफ़ी सारे कलर में अवेलेबल है, वाइट, रेड, लाइट पिंक, काफ़ी सारे स्पॉटेड अलग अलग वैरायटी में भी ये आते हैं। और सॉइल तो हमने तैयार कर दी थी, आपने देखा होगा मैंने सॉइल लिया था, सैंड ली थी, गोबर खाद लिया था और वर्मी कंपोस्ट लिया था। और ये जो सॉइल है हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, तो आपका पौधा कभी सूखेगा नहीं, पत्ता ना थोड़े नाजुक रहते हैं, इसलिए हमेशा मॉइस्ट सॉइल इसको अच्छी लगती है। और ये थोड़ी एसिडिक सॉइल इसको अच्छी लगती है। और इसका जो प्रपोगेशन है वो बल्ब से होता है और ट्यूबर से होता है, जैसे छोटे छोटे बल्ब्स इसके इसके नीचे जो रहते हैं उससे उसका प्रपोगेशन होता है। और मोस्टली ये फेब्रुअरी के मंथ में किया जाता है, ताकि वो जो समर सीजन इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो फेब्रुअरी के मंथ में अगर आप बल्ब लगाते हो तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और वाटर तो हमने देखा, इसको रेगुलर वाटर देना चाहिए, बस ओवर वाटरिंग इसको अवॉइड करनी चाहिए। बस मैंने ये प्लांट पहली बार लगाया था इसलिए मैंने बहुत सारा वाटर डाल दिया था, लेकिन वो आपने देखा होगा कितना सारा वाटर ड्रेन भी हो गया था। इस तरह से हम इसको वाटरिंग करेंगे और बाकी टाइम थोड़ा थोड़ा वाटर देना देते जाना है। ऊपर की मिट्टी अगर थोड़ी थोड़ी सूख जाती है तो उसको मॉइस्ट करते जाना है, थोड़ा सा पानी देते जाना है। अब करते हैं सनलाइट की, सनलाइट का इसका क्या रिक्वायरमेंट है ये हम देखेंगे। इसके लिए वार्म और ब्राइट लाइट चाहिए, बट एकदम सनलाइट में आप इसको मत रखो। जब हम गार्डन में वगैरह बॉर्डर्स वगैरह लगाते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन जब हम गमले में इसको लगाते हैं किसी भी, तो इसके लिए हम डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखेंगे, एकदम कड़ी धूप है ऐसे सनलाइट में नहीं रखेंगे, बस 2 से 3 घंटे की धूप सफिशिएंट है, वो भी सुबह की। और इसको हम मोस्टली शेडी एरिया में रखेंगे, जहाँ पे एकदम थोड़ी सी शेड आती हो, इस तरह से हम रखेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और इसका जो कलरिंग है वो अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो जो कलर है वो फेड हो जाते हैं एकदम, और बहुत अच्छे से नहीं दिखते हैं। फ्लावर्स अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही रेयरली आपको दिखाई देगा, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है, लेकिन बहुत रेयरली फ्लावर्स आते हैं इसको, जैसे गोल्ड येलो कलर में दिखते हैं। वैसे तो इसके ऊपर कुछ सीरियस डिसीज जो रहते हैं वो लगते नहीं हैं इस प्लांट को, और अगर थोड़ा बहुत ख़राब हो भी जाता है, अगर डिसीज लग भी जाता है, तो हम नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। नीम ऑयल स्प्रे के लिए हम 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें 1 स्पून हम नीम ऑयल लेंगे और 1/2 स्पून हम डिश वॉशिंग के लिए जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो लेंगे, और इसको 1 लीटर में अच्छे से मिक्स करके सबको, फिर इसका स्प्रे आप इस पौधे के ऊपर कर सकते हैं। और ये पौधा पॉइजनस रहता है थोड़ा सा, तो आप इसको पेट्स से या छोटे बच्चों से आप इसको थोड़ा दूरी रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कैलेडियम बाइकलर के बारे में बताया है, अब मैंने आपको रिपोर्टिंग करके दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, ज़रूर लगाइएगा इसको, मुझे तो बहुत दिनों के बाद मिला ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।